Hey guys, welcome back to Movie Nerd. और आज हम बात करेंगे Amazon Prime Original मिर्जापुर सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी के हर एपिसोड को एक्सप्लेन किया है और उसकी प्लेलिस्ट अभी आपके आई बटन पे पॉप हो रही है, सो डू चेक इट आउट। तो जैसा कि आप सबने पिछले सीजन में देखा था कि किस तरह एंड में मुन्ना ने बबलू को मार दिया पर गुड्डू वहां से बच निकला। उस शूट आउट के बाद मुन्ना को भी कई गोलियां लगती हैं पर वो जैसे तैसे बच जाता है। उसके अलावा उसका दोस्त ललित भी बच जाता है। उस दिन के शूट आउट का मुन्ना पर एक गहरा असर पड़ता है और वो गुड्डू की वजह से थोड़े वक्त तक शॉक में रहता है। इवन जब वो शूट आउट के बाद बेहोश रहता है तब भी वो अपने सपने में ये देखता है कि गुड्डू उसको मारने आया है। जब उसको होश आता है तब भी वो कालीन भैया को गुड्डू समझ के कुछ अनाप शनाप बकने लगता है। वो कालीन भैया से गुड्डू के बारे में पूछता है बट कालीन भैया मुन्ना की हालत देख खुद शॉक में रहते हैं और कहते हैं पहले ठीक हो जाओ उसके बाद बात करेंगे। जब सब वहां से चले जाते हैं तब मुन्ना ललित से कहता है कि देखो और बताओ हमें कितनी गोलियां लगी हैं। तब ललित गिन के मुन्ना को बताता है कि उसको कुल टोटल 5 गोलियां लगी हैं। मुन्ना ये सुन के सोचता है कि 5 गोली लगने के बाद भी वो नहीं मरा तो वो खुद को अमर समझने लगता है। वहीं शरद अपने पापा रतिशंकर शुक्ला की जगह ले लेता है और जौनपुर का बाहुबली बन जाता है। सीजन 1 में ही हम सबको बताया गया था कि शरद इस बिजनेस में नहीं आना चाहता, वो बस अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए इस लाइन में उतरता है। उस शूट आउट में लाला का दामाद भी मारा गया था। इसी चक्कर में पुलिस भी लाला से पूछताछ करती है पर लाला मुन्ना का नाम नहीं लेता। उसको डर रहता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसके अफीम का व्यापार भी एक्सपोज हो सकता है और इसलिए वो सही मौके का इंतजार करता है। वहीं गुड्डू की हालत भी बहुत खराब रहती है। गोलू और डिम्पी दोनों गुड्डू को एक खाली घर में छुपा के रखती हैं और वहीं उसका इलाज भी करवाती हैं। एक दिन वो उसके लिए कुछ दवाई चुरा कर ले जाती हैं। तभी उनको एक आदमी देख लेता है। उनके पास गन रहती है तो ये आदमी उनसे कुछ नहीं कहता और उनको वहां से जाने देता है। गुड्डू पे भी इस हादसे का बुरा असर पड़ता है और वो थोड़ा पगला जाता है और अपने ही डॉक्टर को जो उसका इलाज कर रहा था उसको मुन्ना समझ के उसको दबोच लेता है। तभी वहाँ डिम्पी और गोलू आ जाती हैं और उस डॉक्टर को छुड़वाती हैं। गुड्डू बदले के लिए पागल हो रहा है पर अपनी चोटों की वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। कालीन भैया के पापा को भी अब जोश चढ़ जाता है और वो बीना के पास जाके उसको अपने कमरे में आने के लिए बोलते हैं। बीना की तबीयत खराब रहती है तो वो उसके लिए दवाई भी लेके आते हैं और उससे जल्दी से ठीक होने को बोलते हैं। पूरे यूपी में चुनाव का समय था और मुन्ना जो कांड गोरखपुर में करके आया था उसकी वजह से रूलिंग पार्टी का नाम बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। सीएम ने अपने छोटे भाई जेपी यादव से बोला था कि चुनाव के टाइम वायलेंस कंट्रोल में रहना चाहिए पर यूपी में तो उल्टा ही हो रहा है। इसके लिए सीएम जेपी यादव को एक कंटाप मारते हैं और उसको बोलते हैं कि चुनाव से पहले उनको पार्टी की इमेज क्लियर चाहिए। गुप्ता जी जो कि स्वीटी और गोलू के पापा हैं वो कालीन भैया के घर जाते हैं और मुन्ना भैया से पूछते हैं कि उसने उनकी बेटी को क्यों मारा। तब मुन्ना जवाब देते हैं तुमसे ज्यादा दुख स्वीटी को मारने का हमें हो रहा है क्योंकि हम लव करते थे उससे। ये सुन के गुप्ता जी गुस्सा हो जाते हैं और अपनी गन निकालने लगते हैं लेकिन कालीन भैया मुन्ना को रोक देते हैं और वो अपने ही स्वैग में बोलते हैं जो हुआ सो हुआ अब अपनी दूसरी बच्ची का पता करो वो भी अभी तक लापता है। अब ये सुन के गुप्ता जी थोड़ा डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। शूट आउट वाली ही रात कालीन भैया ने अपना डर दिखाने के लिए एसपी मोरे के सभी साथी पुलिस वालों को मार दिया पर उसको अपना डर दिखाकर जिंदा छोड़ दिया था। गुप्ता जी सीधा एसपी मोरे के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कालीन भैया को दाबने के लिए वो भी उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं पर उस रात के बाद एसपी मोरे की बुरी तरह फट जाती है और वो गुप्ता को सीधा मना कर देते हैं। वो गुप्ता को बताते हैं कि उसकी आंखों के सामने कालीन भैया ने उसकी पूरी टीम को ठोक दिया और वो अब कुछ नहीं कर पाएंगे। एसपी मौर्य गुप्ता को बोलता है कि अब उसको इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लेना और वो भी कुछ ना करे जैसे पहले चल रहा था वैसा ही चलने दे। बबलू और गुड्डू के पापा पंडित जी भी बहुत ट्राई करते हैं कि उस दिन के शूट आउट के लिए मुन्ना को सजा दिलवाई जाए और वो इस केस पर काम करना शुरू कर देते हैं। वहीं शरद भी अपने एरिया में अपनी पावर कंफर्म करने के लिए सभी दारू के ठेकेदारों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि जैसे वो उसके पापा के लिए लॉयल थे क्या वो उसके लिए भी लॉयल रहेंगे। सारे लोग मान जाते हैं बस ये दो लोग उसकी बात से इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं जब हम तुम्हारे पापा को हफ्ता नहीं दिए तो तुम तो अभी चिरकुट हो। तब शरद उन दोनों की दारू की सप्लाई बंद करवा के अपने दो आदमियों को दे देता है और बोलता है कि आज से वो उसके एरिया में धंधा करेंगे और वो भी बिना हफ्ता दिए। मुन्ना अब ठीक होने लगा था और एक दिन वो ललित के साथ मस्ती कर रहा था। वो उसके हाथ में गन देता है और उस पर फायर करने को बोलता है।
ललित पहले थोड़ा डरता है पर मुन्ना के कहने पे वो गन चला देता है, पर गन तो खाली निकलती है। तब मुन्ना उसे कहता है कि वो अमर है, चूतिया नहीं। ये सारी हरकत कालीन भैया देख लेते हैं और बोलते हैं, अगर तुम चूतिया नहीं हो तो चूतिया पे वाली हरकतें क्यों कर रहे हो। और वो उसे कल सुबह होने वाली पूजा के बारे में बताते हैं जो कि उसकी लंबी उम्र के लिए रखी गई है। सुबह पूजा के बाद कालीन भैया अपने पापा से बिजनेस के बारे में थोड़ी सलाह लेते हैं। वो कहते हैं कि उस कांड के बाद अब लाला अफीम नहीं देगा तो कट्टों के बिजनेस में ही प्रॉफिट बढ़ाना होगा। ये सुनकर मुन्ना बोलते हैं कि कट्टों का व्यापार तो उनके अंडर है तो वो प्रॉफिट का खुद देख लेंगे। तब कालीन भैया उससे पूछते हैं कि वो प्रॉफिट का हिसाब किताब कैसे रखेगा। तब मुन्ना के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और उसकी थोड़ी इंसल्ट हो जाती है। वहीं कालीन भैया अपने पापा को बताते हैं कि जौनपुर में रतिशंकर के बाद उसके बेटे ने टेक ओवर कर लिया है। कालीन भैया कहते हैं कि क्यों ना जौनपुर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया जाए। इस बारे में उसके पापा भी एग्री करते हैं और मुन्ना वहीं बैठे इन दोनों की बातें भी सुनता है। वहीं डिम्पी और गोलू अपने हार्ड आउट में बैठे रहते हैं और खाने की तैयारी करते हैं, तभी वहां एक पुलिस वाला आ जाता है। उस पुलिस वाले को वही लेके आता है जिसने उन दोनों को उस रात देखा था। पुलिस वाला वहां गुड्डू को देखकर चौंक जाता है और वो सोचता है कि अगर वो गुड्डू को कालीन भैया को सौंप दे तो कालीन भैया उसे बड़ा इनाम देंगे। पर वहां मैटर हो जाता है और गोलू उस पुलिस वाले को ठोक देती है और डिम्पी भी उस आदमी को जो उस पुलिस वाले को लेके आया था उसे घायल करके वहां से भगा देती है। अब सीएम से झापड़ खाने के बाद जेपी यादव मिर्जापुर आते हैं और कालीन भैया से मिलते हैं। वो कालीन भैया को बताते हैं कि वायलेंस की वजह से पार्टी की इमेज खराब हो रही है। कालीन भैया के वादा करने के बाद भी वायलेंस कम नहीं हो रहा है। पहले जौनपुर में और अब गोरखपुर में भी कांड हो गया है और अब पार्टी की इमेज को अच्छा करना है तो वायलेंस कम नहीं होना चाहिए और अगर वायलेंस हो गया तो करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। ये सुन के कालीन भैया उससे पूछते हैं कि वो आखिर चाहता क्या है। तब जेपी यादव कालीन भैया से सीधा मुन्ना को मांगता है। वो कहता है 302 नहीं लगने देंगे, कुछ सालों की सजा के बाद मुन्ना को बाहर निकाल देंगे। जेपी यादव कालीन भैया को 24 घंटे देता है और बोलता है कि अगर 24 घंटे में मुन्ना को उसके हवाले नहीं किया गया तो वो खुद मुन्ना को उठवा लेंगे। तब ये सुन के कालीन भैया उससे कुछ नहीं कहते और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। मिर्जापुर के और भी एपिसोड्स की समरीज के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, आपको वहाँ पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।